गाइस, हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं। टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास दिल्ली में, एंड हम जा रहे हैं गोम्बो रंजन। आई एम नॉट श्योर दैट यू नो द प्लेस और नॉट। इफ़ यू नो द प्लेस, गुड। इफ़ यू डू नॉट नो द प्लेस, जाओ गूगल करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो जगह कैसी है और कहाँ पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे आशीष भाई हैं, जिसको हम रोटी भाई भी बोलते हैं। हम आपको जल्दी बताएंगे हम इनको रोटी क्यों बोलते हैं, बट इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। अलग बार हम कार से नहीं, इस बार हम बाइक से जा रहे हैं। यस यस गाइस, यू गॉट इट राइट। दिस इज आर न्यू रॉयल एनफील्ड 650 इंटरसेप्टर। एंड अरेश भाई से एक बार स्टार्ट करके तो दिखाओ, जरा हम भी देखें। स्टार्ट कर रहे आशीष भाई, चाबी भूल गए आशीष भाई। मीनवाइल भाई ने अभी रिसेंटली बाइक ली है, एंड 650 सीसी का इंजन है इसमें, क्रूजर बाइक है। एंड एक्साइटेड बिकॉज दिस वुड बी माय फर्स्ट बाइक ट्रिप, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द माउंटेन। एंड हियर इज द प्रोफाइल, हमारे पास पूरी एलईडी हेडलाइट्स है, LED फॉग लैम्प्स है, एंड मेरा बालाक्लावा। सो गाइस, सुबह हो गई है और हमने अभी स्वर्गघाट पार किया है। बहुत बादल थे, इट वॉज नॉट रेनिंग, बट बादल इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि तुम कश्मीर ही पहुँच गए हो। हमने बस अभी हॉल्ट लिया है, थोड़ा सा आँखों को एक्लोमेटाइज कर रहे हैं कि दिन हो गया है, और मीनवाइल अपनी इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं हम। बैग सारे प्लेस में हैं, बंजी रोप्स को फिर से हम डबल चेक कर रहे हैं। एक छोटा सा इशू भी हो गया था हमारे साथ, जो हमारा गाड़ी का साइलेंसर है वो बहुत गर्म हो गया था। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा बैग जो हमारा था वो मेल्ट हो गया और साइलेंसर पर चिपक गया। व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज, वंस वी रीच मनाली, वी नीड टू फाइंड समवन जो इसको फिक्स कर पाए, नीचे एक पैच लगा देगा, एंड वी वुड बी रेडी टू हिट टू शिंकुला पास। आशीष भाई, अब तक की राइड कैसी रही? बढ़िया भाई, 600 किलोमीटर कंप्लीटेड। 14 घंटे कितने लगे हमें? कितना हो गए? 14 घंटे के आसपास हमें लगे। करंटली वी आर एट सिसु, हमने अटल टनल क्रॉस कर लिया है। सो दिल्ली टू सिसु वाया अटल टनल टुक 14 आवर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव टिल जिस्पा, एंड वहाँ देखेंगे अगर हमें अकोमोडेशन मिला तो ठीक है, और एल्स वी माई डायरेक्टली ड्राइव टू गोंचौक ग्रोमजो एज वेल। एवरीवन इज रियली हैप्पी राइट नाउ एंड वांट्स टू हैव अ ब्लास्ट। व्हाट्स द स्काइज आर रियली ब्लू, यू कैन सी अ बिग क्लाउड बर्स्ट, एंड दैट पीक यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज रोहतांग पास। दिस इज द नॉर्थ पोर्टल ऑफ द टनल। And we would be heading towards Jispa now.
सो गाइस वी हैव रीच्ड जिस्पा एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल स्टे हियर टुनाइट. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock इन द इवनिंग. वी आर कैंपिंग इन द प्लेस नोन एज द हर्मिटेज लाहौल. बहुत सही डील मिल गई हमको. मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोना स्पेंड द नाइट हेयर बाय द रिवर साइड. हैव अ गुड टाइम एंड देन कल सुबह हम निकलेंगे शिमला पास की तरफ. रिकमेंडेड है कि थोड़ा अर्ली जाऊँ, बट अगर हम 4-5 दिन तक भी पहुँच जाए वहाँ तो बहुत सही है.